होगा। कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है ये सब उठ करके? हमारे बड़े बड़े कवि कह रहे हैं, बड़े बड़े कवि लगे हुए हैं। किस लिए? बोले भगवान और अल्लाह में लोगों को लड़ा रखा है, भगवान और अल्लाह में लोगों को भिड़ा रखा है। किसने? बोले राजनीति जी कर रहे हैं, ये तो राजनीति लड़वा रही है। अरे सोच करके तो देखो, जिनके मुंह से मैं हर बार ये कहती हूँ, शर्म करो जो लोग अल्लाह और ईश्वर को एक साथ रखते हैं। अगर आप लोगों के दिमाग में भी यह भ्रम है कि अल्लाह बोले सबके नाम है बराबर, सब जय एक जैसे, भाई अल्लाह अलग है, ईश्वर अलग है। अगर आपको ना पता हो तो मैं रेफरेंस लेकर के आई हूँ। ईश्वर को आप कहाँ देखने जाओगे, बताओ मुझे कहाँ देखने जाओगे? ईश्वर के बारे में यदि पता करना होगा तो किस ग्रंथ को उठाओगे? अगर आपसे कोई पूछे ईश्वर क्या, तो आप कहोगे वेदों में देख लो, आप कहोगे गीता में देख लो, आप कहोगे उपनिषदों में देख लो। अगर आप अल्लाह के बारे में पूछने जाओगे तो कहां जाओगे? कौन बताएगा? कुरान बताएगा। और उस अल्लाह ने कुरान में क्या कह रखा है? उस अल्लाह ने ये कह रखा है कि जो मुझे नहीं मानते, जो मेरे रसूल को नहीं मानते, जो मेरे फरिश्तों को नहीं मानते, उनकी कर्तन काट दो। कत्ताल फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह। वो कहता है अल इस्लाम हक कुन वल कुफ्र बातिलुन, बस एक इस्लाम ही सच्चा है, बाकी सबको खत्म कर दो। कौन कह रहा है जी? कुरान। कुरान में किसने कह दिया? अल्लाह ने कह दिया। क्या ईश्वर ने कहीं कहा? ईश्वर ने कहीं कहा कि जो गीता को नहीं मानता उसकी गर्दन उड़ा दो, जो वेद को नहीं मानता उसकी गर्दन उड़ा दो? हमें शर्म आनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े कवि सम्मेलन हो रहे हैं। मैं अभी अभी रात में ही मैंने बहुत बड़े कवि के मुंह से जब ये सुना तो मेरे दिल में आग लगी। अरे ये कैसे लोग हैं जिनको सारा समाज सुन रहा है? आप किसी मौलवी के मुंह से निकलवाओ कि ईश्वर अल्लाह बराबर है, आप कहो किस कोई मौलवी कह देगा? किसी इस्लामिक स्कॉलर के मुंह से निकलवा करके दिखाओ कि अल्लाह और ईश्वर एक जैसे हैं? अरे वो स्पष्ट है। अपने लोगों को क्यों भ्रम में डाल रखा है? जब तुम्हें नहीं पता तो कुरान पढ़ करके देखो। कुरान की सूरह तौबा आयत संख्या 5 ये कहती है, जहां कहीं पाओ इन्हें घेरो। किसे? काफिरों को। और काफिर कौन? अगर इसी को उजाला समझते हैं, और हमारे लोग बड़े आसानी से बोल रहे हैं, अपने लोगों को बहकाया जा रहा है। बाद में आप जानते हैं अल्लाह ने हमारे लिए क्या आदेश रखा है? बोले काटो तो है ही, उसके बाद गिल्टी फील मत करो, उसके बाद ये मत सोचो कि तुमने एक गलत काम कर दिया। ये तुम नहीं कर रहे, ये अल्लाह तुमसे करवा रहा है। और हम कह रहे हैं अल्लाह ईश्वर सब बराबर, सब एक जैसे, सब भगवान के नाम है। अरे अल्लाह भगवान का नाम हो ही नहीं सकता, जब उसने हमें मरवाना ही था, जब उसने हमको मरवाना ही था तो हमें पैदा ही क्यों किया? जब उसने जिहाद जिहाद करवाना ही था तो उसने और सारी कुफ्र की दुनिया
जा रही है। अपनी तरफ से नहीं कह रही हूं, आप पढ़ करके देखो इनकी हदीसें, उसमें मिल जाएगा। जब वो पत्नियां उनकी ले जाई जा रही हैं, वो अपने पतियों को देख करके रो रही हैं, बिलख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनको कहा जा रहा है रोना नहीं है, अब तुम हमारी संपत्ति हो गई हो। कोई सोच सकता है उस दर्द को जिस महिला के सामने जिस पुरुष ने, जिस हत्यारे ने उसके पति की हत्या की हो, जिस हत्यारे ने उसके भाई की हत्या की हो, उसके पिता की हत्या की हो, और उसके बाद उसी बेटी का, उसी बहन का निकाह उसी हत्यारे के साथ किया जा रहा हो, कोई सोचता है उसके दर्द की कितनी इंतहा हो सकती है, कितना भयंकर वो पीड़ा का समय रहा होगा। पीड़ा केवल उसी समय नहीं है, वो पीड़ा जो उस समय दी गई है वो आज इन लोगों के लिए प्रेरणा दे रही है। और वो किसको काटने मारने की है, वो आप सब लोग, किसी के पति है, किसी के भाई है, किसी के पिता है, आप सब लोगों के लिए कही जा रही है। और वो हर आपके घर में बैठी हुई महिला, वो आपकी बहन है, जो आपकी पत्नी है, जो आपकी माता है, उन सबको ये अपने घर में दासी की तरह रखना चाहते हैं। आज जो आजादी के नारे लग रहे हैं, ये वाली आजादी चाहिए इनको, इनको कासिम वाली आजादी चाहिए, जो 30,000 महिलाओं को केवल सिंध से उठा करके बगदाद में ले गया था और उसने वहां मंडी लगाई। पढ़ करके देखो, खुद इनके इतिहासकार बताते हैं, आपके नहीं, इन्हीं के लोग बता रहे हैं उन्हें हमने क्या क्या किया है। अल-उतबी को पढ़ो, हसन निजामी को पढ़ो, और आप जानते होंगे शब्द बहुत फेंका गया समाज में, इब्न बतूता, उसको पढ़ो, पढ़ करके देखो, खुद बता रहे हैं, बोले हमने 30,000 लोगों की लाश कालीन की तरह बिछा दी, उसके ऊपर से हमारी सेना गुजर करके गई। ये उनके लिए हिम्मत वाला काम था, उनको स्वाभिमान वाला देने का काम था। उनकी सबकी महिलाएं, लाखों महिलाएं ले गए और उनकी मंडी लगाई, भाव बनाया गया। कैसा भाव? जैसे आटे का भाव लगता है, जैसे चावल का भाव लगता है, जैसे दाल का भाव लगता है, उसी भाव में महिला को भी तोला जाता है। ये इस्लामिक कंसेप्ट है, उसी भाव में तोला गया, उसी भाव में वे बेची गई। और जो नहीं बेची गई, जो मुखियों की, जो राजाओं की पत्नियां थी, बेटियां थी, वो बड़े बड़े हजाज, बड़े बड़े जो इनके खलीफा थे, उनके हरम में पेश की गई। आज जिस अकबर को महान बताया जा रहा है, हमारी पुस्तकों में वो अकबर मीना बाजार लगाया करता था, वो अकबर मीना बाजार लगा करके सारे हिंदू व्यापारियों की महिलाओं को बुला करके कहा करता था कि यहाँ पर आप अपनी मंडी लगाइए, और बेचने वाली महिलाएं, खरीदने वाली महिलाएं, महिलाओं को पता नहीं चलता था कि अब किसके घर के आगे डोला रखने वाला है। उसके बाद किसी के घर में भी डोला चला गया, वो महिला नहीं गई, उसके परिवार को समाप्त करके डाल दिया गया। आज जो ये आजादी जिन्ना वाले मांग रहे हैं, आप थोड़ा सा सिंधु नदी के पास का इतिहास पढ़ करके देखो, जस्टिस जीडी खोसला को पढ़ करके देखो, उन्होंने एक एक गांव का इतिहास लिख रखा है। उन्होंने बताया कि सिंधु नदी के किनारे सारे लोग कौन थे, पंजाब में रहने वाले हमारे सिख भाई, उनके छोटे छोटे गांव, उन लोगों को घेर लिया गया और घेर करके उनसे कहा मुसलमान बन जाओ अगर जिंदा रहना है तो। आप वो जिंदा रहने के लिए मुसलमान बन गए, उनसे कहा कि अब तुम्हें कलमा पढ़ना होगा, कलमा पढ़ लिया, अब तुम्हें गोमांस खाना पड़ेगा, उन्होंने गोमांस भी खा लिया, उन्होंने कहा पर्टिकुलर पार्ट को कटवाना पड़ेगा, उन्होंने वो भी करवा लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी हम तुमको नहीं मानते, अपनी महिलाओं को हमें दो। उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते, तो उनको एक एक को करके गले काट काट करके फेंक दिया गया। ये है जिन्ना वाली आजादी, ये चाहते हैं, ये चाहिए इनको इस समय पर। जो लोग अपनी महिलाओं को थोड़ा बहुत बचाने में सक्षम हुए, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जाकर के जंगल में बहुत बड़ी आग लगाई और अपने हाथ से अपनी लड़कियों को उस आग में धक्का दे करके मार दिया, अपनी पत्नियों को धक्का दे करके उसमें जला दिया, क्योंकि इस्लामिक कंसेप्ट है कि
यदि लाश भी मिल जाएगी उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। हम सब लोग किस समाज को देख रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे भारती के शहरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। और कृष्ण को है चाह, आज बांसुरी की नहीं वक्त चाहता है, चक्रधारी बन जाइए। नहीं तो हम सब लोग अपने आप को भूल जाइए, इतिहास में चले जाएंगे। जिन लोगों को ये हो कि हस्ती नहीं मिटती, आई सब जगह से मिट रही है, अपनी आंखों से देख रहे हैं मिटती हुई, मैं आप सब लोगों को नमन करती हुई अपनी बात को विराम देती हूँ। बस इतना कहना चाहती हूँ, आपको लग रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा ना कि वॉर शुरू होगा, अभी वॉर शुरू होगा, और इस्लामिक वॉर लगातार चल रहा है। उन्होंने 500 शहर जलाने की योजना बनाई थी, उसमें वे बहुत हद तक सफल हो गए थे, वो तो किसी कारण से उनको दबा दिया गया। लेकिन ये समझ लो, अमेरिकन भी इस बात को समझ चुके हैं कि यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन वॉर, बट वॉर इज इंटरेस्टेड इन यू। आप में युद्ध का पूरा पूरा इंटरेस्ट है, भले ही आप युद्ध में इंटरेस्ट ना रखते हो, आप लड़े ना लड़े ये आपकी चॉइस से बाहर चला गया है। अब आपके पास केवल ऑप्शन लड़ने का बचा है, लड़ो या मरो। बस इतना ही कहना चाहूंगी, धन्यवाद।